हेलो ऑल, वेलकम टू टिटी गाइड। अभी हम सिस्टमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन के बारे में जानेंगे। एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसका मेथड क्या क्या रहते हैं। ओके, फर्स्ट रूल कहता है वी कैन आर्क द सेम नंबर टू द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। देखो, इक्वेशन में हमारा एक इक्वेशन में LHS और RHS रहता है। फर्स्ट रूल कहता है, कि फर्स्ट रूल में अगर LHS में कुछ नंबर ऐड करेंगे तो RHS में हमको सेम नंबर ऐड करना रहेगा। ओके, और सेकंड रूल कहता है LHS माइनस कुछ नंबर हम माइनस करेंगे तो RHS से भी सेम नंबर माइनस करेंगे। ओके, वो सेम नंबर रहेगा। ये वेरिएबल में आप जो भी नंबर 1, 2 अप टू इंफिनिटी जो भी नंबर ऐड करोगे सेम नंबर ऐड करोगे, जो भी नंबर माइनस करोगे सेम नंबर माइनस करोगे। ठीक है, रूल कहता है। थर्ड क्या कहता है, LHS में मल्टीप्लाई आप जो नॉन जीरो नंबर करोगे ना, ये नॉन जीरो नंबर होगा, क्योंकि अगर हम देखो इधर हम जीरो भी ले सकते हैं, इधर भी जीरो ले सकते हैं, पर इधर हम जीरो नहीं ले सकते। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल कहता है कि हम जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ये पार्ट जीरो हो जाएगा। जिसके मतलब जिस नंबर के साथ आप जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही होगा ना, डिवाइड करोगे वो जीरो ही होगा, इसीलिए हम नहीं ले सकते। तो RHS में सेम आपको मल्टीप्लाई एक्स करना होगा। और फोर्थ, LHS डिवाइड एक्स, RHS डिवाइड, और ये एक्स हमारा नॉन जीरो नंबर होगा। मैं ये बोथ में एक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है। बस ये रूल हो गया, हम एग्जांपल लेके समझ जाएंगे। ओके, एग्जांपल लेके समझते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। एक्स माइनस फाइव इजिकल टू सेवन। ओके, एंड चेक द रिजल्ट। हमको चेक करना है ना LHS इजिकल टू RHS इक्वल होता है कि नहीं। चेक द रिजल्ट, वो कैसे करेंगे, आंसर। ओके, एक्स माइनस फाइव इजिकल टू सेवन। फर्स्ट हम लिखे ये जो गिवन हमारा क्वेश्चन इक्वेशन दिया गया है, उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स माइनस से माइनस फाइव और इसको आप प्लस इस साइड ऐड करोगे। हमारा रूल कहता है जो ऐड करोगे LHS में वही ऐड करना है RHS में, तो आपको सेवन के पास ये फाइव ऐड करना है। ओके, कंप्लीट। देखो ये हमारा सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू हमारा ट्वेल्व आंसर, क्योंकि ये जो प्लस माइनस हम अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर हम पुट करने के बाद हम ये सॉल्व करेंगे और x इजिकल टू 12 हमारा आंसर आ गया। ओके, अभी हमको चेक करना है x के जगह पर 12 डाल के, सब्स्टिट्यूटिंग x इजिकल टू 12 LHS इजिकल टू LHS इजिकल टू एक्स के जगह हम डालेंगे LHS हमारा एक्स माइनस फाइव, तो 12 माइनस फाइव इजिकल टू सेवन इजिकल टू RHS, सेटिस्फाई हो गया आंसर। और ये हमारा रिजल्ट चेक भी हो गया। ये चेक द रिजल्ट जो दिया गया है अभी हम चेक कर लिए एक्स के जगह ये आंसर डाल के। ओके, नेक्स्ट और एक सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू, 8x इजिकल टू 24। ओके, 8x इजिकल टू 24, हमको रूल में क्या था, अगर डिवाइड करना है तो बोथ साइड डिवाइड करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है तो बोथ साइड LHS और RHS में करना है। तो अभी हम इधर डिवाइड करेंगे, 8x डिवाइडेड बाय 8 इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाय 8 इम्प्लाइज एक्स इजिकल टू हमारा
थ्री, ये एट एट कट हो जाएगा और आंसर हमारा थ्री। अभी हम रिजल्ट को चेक करेंगे, मैंने चेक करेंगे एक्स को डाल के सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इम्प्लाइज एट इंटू थ्री इज इक्वल टू 24, ओके इज इक्वल टू, ये हमारा आरएचएस सेटिस्फाई हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस चेक भी हो गया, ओके ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। नेक्स्ट, जैसे कि हमको पता है कि हम एक इक्वेशन का एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव, अगर हम इसमें प्लस फोर ऐड करेंगे इसमें भी प्लस फोर ऐड करेंगे एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर, ओके तो अभी देखो ये जो ये हमने ऐड करके इधर ऐड किए और ये रिजल्ट निकाले, पर हम डायरेक्टली पर इधर हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है इधर माइनस फोर है, ये साइड को अगर हम डायरेक्टली इधर ले आएंगे तो बस उसका साइन चेंज होता है, मतलब हम x माइनस फोर इजिकल टू फाइव से इम्प्लाइज x इजिकल टू फाइव माइनस फाइव प्लस फोर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके बस उसका साइन हम चेंज होगा, इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे, ओके यू कैन स्ट्रेट अवे चेंज द साइन ऑफ ए टर्म एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड। देखो ये साइड में था, हम ये साइड में ले आए, ये साइड में, इस साइड में लेफ्ट में था, एलएचएस में था, वन साइड ऑफ ए इक्वेशन टू अनदर साइड ऑफ ए इक्वेशन, मतलब एलएचएस साइड टू आरएचएस साइड, अदरवाइज आरएचएस साइड टू एलएचएस साइड, आपको ट्रांसफर करना है ये नंबर को, बस उसका साइन चेंज होना चाहिए, इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन, ओके ट्रांसपोजिशन एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, एक थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थर्टीन माइनस एक्स, चेक द रिजल्ट, इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट चेक करेंगे, चेक द रिजल्ट मीन्स एल एच एस इजिकल टू आर एच एस हो रहा है कि नहीं, थ्री एक्स प्लस फाइव इजिकल टू थ्री एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स प्लस एक्स, मतलब ये जो एक्स पार्ट हम इधर लाएंगे, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, हम किसी नंबर को हम इधर लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, देखो ये एक्स को हम इधर लाए और उसका साइन चेंज हो गया, अभी हम क्या किए, लिटरल पार्ट को एक साइड पे कर रहे हैं और नंबर पार्ट को दूसरे साइड पे कर रहे हैं, तो थर्टीन हमारा ऑलरेडी था और ये फाइव हमारा इधर आ गया, तो फोर एक्स इजिकल टू, अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्स इजिकल टू हमारा एट बाई फोर इजिकल टू टू हमारा आंसर, ओके अभी x में डालेंगे, चेक द रिजल्ट, x में डालने के बाद थ्री एक्स प्लस फाइव इजिकल टू थर्टीन माइनस एक्स इम्प्लाइज थ्री इंटू टू प्लस फाइव इजिकल टू थर्टीन माइनस टू, ओके ये एल एच एस और आर एच एस इलेवन इजिकल टू इलेवन, एल एच एस सेटिस्फाई हो रहा है हमारा आर एच एस से, आंसर ये हमारा ट्रांसपोजिशन बता रहा है कि बस हम ये टर्म को, ये जो एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब लिटरल पार्ट को हम एक साइड कर लिए और नंबर पार्ट को एक साइड करके हमको सोल्यूशन निकालना है, ओके।
नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखो 3 x + 6 = 24. ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 x + 18 = 24. 3 x = ये हम ट्रांसफर करेंगे लिटरल पार्ट को, सॉरी नंबरिंग पार्ट को, तो माइनस साइन हो जाएगा. ओके तो 3 x = कितना आया 6. x = 2 हमारा आंसर. अभी चेक करेंगे 3 x + 6 = 24 implies 3 × 2 + 6 = 24 6 + ओके थ्री इंटू सिक्स अदरवाइज 3 × 8 LHS = RHS इधर भी 24 इधर भी 24 आंसर. ऐसे ट्रांसपोज करके नंबर हमारा आंसर आ गया. ओके नेक्स्ट अभी हम जाने की एक मतलब कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं एक वर्ड स्टेटमेंट को वर्ड स्टेटमेंट के साथ नंबर को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम लाते हैं. ठीक है हम जाने अभी. ओके तो ये नंबर मतलब हमको जो गिवन नंबर्स दिए रहेंगे ना फर्स्ट हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे फिर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन लाने के लिए इक्वेशन लाके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अभी चेक करेंगे. ठीक है एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा उसी में से आपको इक्वेशन फॉर्म को कन्वर्ट करना है और वही इक्वेशन को आपको सॉल्व कैसे करना है वो हम अभी देखेंगे. एग्जाम्पल इफ 5 subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. ओके ये हमको गिविन रहेगा ये स्टेटमेंट हमको गिविन रहेगा हमको आंसर निकालना है मतलब पहले हमको क्या करना है इक्वेशन फॉर्म में इसको लाना है. तो क्या करेंगे लेट 5 subtracted from 3 times ए नंबर लेट दैट नंबर = x. ओके देन ये नंबर हम लेट किए तो अभी क्या करेंगे 5 subtracted from 3 times ए नंबर तो 3 x - 5 = द रिजल्ट इज 16. ये हमारा इक्वेशन अभी फॉर्म हो गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे हमको ट्रांसपोजिशन अभी हम पढ़ चुके हैं तो 3 x = 16 + 5 आंसर 21. ओके मतलब ट्रांसपोज हुआ -5 हमारा ट्रांसपोज हुआ. ट्रांसपोजिंग इधर हम लिख देती हूँ ट्रांसपोजिंग -5 to RHS. क्लियर ये जो -5 था इधर ट्रांसपोज हो गया उसका साइन चेंज हो गया एडिशन में ये फॉर्म में आया. नेक्स्ट 3 x = 21 x = 7. ओके फाइनल हमारा x निकल गया मतलब लेट दैट नंबर x मीन्स ये x हमारा 7. अभी हम इसमें अगर पुट करेंगे तो चेक करेंगे तो आंसर हमारा
LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए. ओके नेक्स्ट. अभी हमको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मोना'स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज मोना. आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर. ओके फाइंड देयर प्रेजेंट एज. लेट आंसर निकालेंगे, मतलब फर्स्ट हमको इक्वेशन फॉर्म में लाना है, ये फॉर्म से, स्टेटमेंट फॉर्म से. ओके ये हमारा, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे. लेट मोना'स प्रेजेंट एज एक्स ईयर. मोना'स फादर एज कैसे होगा अभी का? मोना'स फादर एज, फादर प्रेजेंट एज 3x ईयर. ये हमको गिवन है, मतलब थ्राइस एज ओल्ड एज मोना. मोना मोना का जितना होगा उसके पापा का एज उसका तीन गुना ज्यादा रहेगा. ठीक है, मोना'स फादर आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर. मतलब मोना का 12 साल के बाद मोना का एज कितना होगा? मोना'स एज आफ्टर 12 ईयर एक्स प्लस 12, ये मोना एज. ओके मोना का एज कितना 12 साल के बाद, उसके बाद हम उसके पापा का 12 साल के बाद कितना होगा निकालेंगे. मोना'स फादर एज आफ्टर 12 इयर्स 3x प्लस 12 ओके क्लियर. नेक्स्ट हम हमारा क्या निकला, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 12. उसके पापा का एज इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर. मतलब डॉटर का एज कितना है निकला, एक्स प्लस 12 निकला था तो दो गुना उससे ज्यादा रहेगा. मतलब 3x प्लस 12 इज इक्वल टू, हम इक्वेशन फॉर्म में लाए, मतलब इक्वल फॉर्म में लाए, ये इक्वल टू 2 इंटू ये 2 इंटू मोना'स एज. ओके अभी हम इसको फॉर्म करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, 3x प्लस 12 2x प्लस 24. अभी 3x माइनस 2x, 2x को हम LHS में लाए और 24 माइनस 12 इधर, x इज इक्वल टू 12 ना प्रेजेंट एज. देयरफॉर मोना'स प्रेजेंट एज, हम लेट x ये लिए थे मोना का प्रेजेंट ईयर को, तो हमारा x निकल गया 12. मोना'स फादर एज थ्री इंटू 12 36. आंसर क्लियर. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू.